नंबर 5, लैक्स ऑन एन एप्पल पावर केबल अडैप्टर। एप्पल अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और यूनिकनेस की वजह से बहुत मशहूर है। एप्पल हमेशा अपने नए प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता है, लेकिन बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूजफुल फीचर्स इनबिल्ट हैं। ऐसा ही एक फीचर है एप्पल के लैपटॉप का चार्जिंग अडैप्टर, जिसके अंदर ये दो लेग्स होती हैं। असल में इन दो लेग्स का पर्पस चार्जिंग केबल को रैप करने का होता है। इस तरह से केबल कभी उलझती नहीं है और हमेशा अच्छी कंडीशन में बनी रहती है। ये दो लेग्स अडैप्टर के अंदर होती हैं, जिसको आप प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि अडैप्टर के अंदर ये दो लेग्स हैं, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 4, टैब ऑन रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार। दोस्तों, कार ड्राइविंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके अलावा अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को भी कार के अंदर मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है। जैसे क्या आप जानते हैं, कार के रियर व्यू मिरर पर एक टैब लगा हुआ होता है, जो पीछे से आने वाली कार्स की शार्प बीम लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है और क्लीन विजिबिलिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये टैब एक सेफ्टी फीचर होता है। नंबर 3, व्हाई डज स्पोर्ट्स प्लेयर वेयर दीज बैंड्स इन हैंड्स। आपने नोटिस किया है, सभी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने हाथ में बैंड्स पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेयर्स आखिर इन्हें हाथ में क्यों पहनते हैं? असल में दोस्तों, ये बैंड्स पसीने को सोखने के लिए पहने जाते हैं। अगर खेलने के दौरान किसी भी खिलाड़ी को पसीना आएगा तो उनके हाथ फिसलने लगेंगे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है, ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट और ग्रे कलर्स के बैंड्स बैन है। जी हाँ, ये सच है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट कलर की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर प्लेयर भी व्हाइट बैंड पहन लेते हैं तो बैटिंग करने वाले प्लेयर को बॉल देखने में कंफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा ये बैंड्स बॉल को शाइन करने में भी मदद करते हैं, जिससे बॉल अच्छे से स्पिन करने लगती है। नंबर 2, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑन टूथपेस्ट ट्यूब क्रीम। ब्रश तो आप डेफिनेटली रोज करते ही होंगे, तो क्या आप भी रोज ब्रश करते वक्त सोचते हैं कि आखिर टूथपेस्ट की ट्यूब्स पर ये कलरफुल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्यों बने हुए होते हैं? वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि इन कलरफुल बॉक्सेस से पता चलता है कि उस पेस्ट को बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। असल में दोस्तों, ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सभी ट्यूब्स एक बीम लाइट मशीन से होकर गुजरते हैं, जिसमें इन बॉक्सेस की शेप से ही पता चलता है कि ट्यूब को काटने की, सील करने की या फोल्ड करने की जरूरत है या नहीं। ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। नंबर 1, नंबर्स मेंशन्ड ऑन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड वाया व्हाट्सएप। क्या आप जानते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर की जाने वाली इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों लिखे हुए होते हैं? दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये नंबर्स ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि इन नंबर्स का अपना एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। असल में इन डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस पर नंबर्स इस तरह से लिखे हुए होते हैं, जिसमें पहले लिखे लेटर से पता चलता है कि ये कोई इमेज है या डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद लिखे 8 नंबर्स ये बताते हैं कि फोटो किस दिन ली गई थी। जैसे 20210925, इस नंबर के मुताबिक ये फोटो 2021 में सितंबर की 25 तारीख को ली गई थी। इसके अलावा लास्ट के 6 नंबर्स फोटो क्लिक करने का वक्त बताते हैं, जैसे 194738। इसके मुताबिक फोटो 7:47:38 पर ली गई थी। तो दोस्तों, अब आप इस तरह से देखकर बता सकते हैं कि फोटो किस दिन और कब ली गई थी। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।